हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो है ट्यूसडे या वेनसडे, शायद ट्यूसडे का है। और इस दिन मैंने की थी छुट्टी, और वैसे तो हस्बैंड ने भी की थी क्योंकि उनको था कुछ काम। और मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और हम लोगों का ऐसा ही होता है कि रेस्ट तो हम लोगों से होता नहीं है, बस जब तबीयत ख़राब होती है तब थोड़ा रेस्ट हो जाए तो हो जाए, और जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो हम लोग फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। तो हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है कि उसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं होता, मतलब अगर टाइम है तो भी वो नहीं करना चाहती क्योंकि उसको अपने घर के काम करने होते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा दोपहर के टाइम, मतलब 11-12 बज गए थे, मुझे थोड़ा आराम हो गया था दवाई वगैरह लेने के बाद। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन की आज क्लीनिंग करने लगी थी। डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे घर में ना तो लाइट थी सुबह से, और लाइट नहीं थी तो पानी भी नहीं था। तो जो डिब्बे थे वो काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किए थे क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस मैं यहाँ पे उनको, ये मैंने एक स्प्रे बनाया हुआ है कुछ चीज़ों से, तो इस स्प्रे को ही मैं इन डिब्बों पे डाल दूँगी, 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और जैसे कपड़े से, थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो डिब्बे एकदम से साफ़ हो जाते हैं। और हर बार पॉसिबल भी नहीं होता कि डिब्बों को पानी से ही धोया जाए। तो यहाँ पे बस हितेश भी मेरे साथ लगा हुआ है क्योंकि हितेश की भी छुट्टियाँ चल रही है, बच्चों के पास आजकल कुछ काम भी नहीं है। और ख़ासकर आजकल ये जो कोरोना वायरस चल रहा है तो बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा सकता, तो बच्चों को थोड़ा सा आप अपने साथ इन्वॉल्व कर ले काम में, गेम में, इसी तरीके से उनका दिन निकल जाता है। अदरवाइज़ तो बच्चे घर में रहेंगे तो या तो फ़ोन यूज़ करेंगे या टीवी, तो थोड़ा सा उनको भी उससे रेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हितेश भी मेरे साथ कर रहा था थोड़ी सी हेल्प। कुछ सामान था डिब्बों में जो ख़त्म हो गया था, तो बस उनको मैं यहाँ पे रिफ़िल कर रही हूँ। तो मेरी किचन की क्लीनिंग लगभग ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए सब्ज़ी। वैसे तो सुबह में सब लोग नाश्ता कर चुके थे, सुबह में जो खाना बनता है वो मैंने बना ही दिया था क्योंकि सबकी छुट्टी नहीं थी। तो आजकल मैं हरी सब्जियां ही खा रही हूँ क्योंकि मेरी दवाई अभी अभी ख़त्म हुई है। तो जिनसे मैंने दवाई ली थी डॉक्टर से, उन्होंने बोला था कि अभी आप एकदम से सारी चीज़ें खाना स्टार्ट ना करें, थोड़ा हरी सब्जियां ही जहाँ तक हो आप खाएं। तो बस मैं यहाँ पे अपने लिए घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, कोई प्याज टमाटर का तड़का नहीं डालती, सिर्फ हींग और जीरा डाल के थोड़ा सा तड़का बना के मैं बना लेती हूँ। कोई लाल मिर्च वगैरह भी नहीं डालती, सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ। और मुझे घिया वगैरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है थोड़ा सा पानी डाल के। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद मैं और हितेश भी खाएंगे खाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और यहाँ पे बैठा हुआ हितेश, और हितेश खा रहा है क्या? ग्रेप्स। ग्रेप्स। तो हितेश ग्रेप्स खा रहा है क्योंकि उसको ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको जब खांसी हो जाती है ना तो उसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, खास करके ठंडी चीज़ें, चाहे वो ठंडा फ्रूट है या कोई भी चीज़ है। तो अभी उसके थोड़ा सा आराम है, मतलब खांसी वगैरह ठीक है, तो वो जी भर के अपना ये फ्रूट्स खा रहा है। और टाइम हो चुका है 3 दोपहर के बजे है, और आज सुबह मेरी तबीयत ना मुझे थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी, 2-3 दिन से ठीक थी क्योंकि दवाइयाँ मेरी चल रही थी, और कल से मेरी दवाइयाँ वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कल से, हाँ कल मतलब परसों रात को लास्ट थी मेरी वो दवाई की डोज, उसके बाद कल नहीं ली दवाई। तो आज पता नहीं काम कर रही हूँ 2-3 दिन से इस वजह से, या फिर दवाइयाँ अब ख़त्म हो गई उस वजह से मुझे मेरी तबीयत ना कल नहीं मतलब मॉर्निंग में थोड़ी सी ऐसी लग रही थी। और दूसरा मैं उठी भी लेट, 7:30 बजे मैं उठी हूँ सुबह, तो फिर मैं आज नहीं गई, छुट्टी कर ली मैंने, और हितेश 9 बजे उठा था है ना, और वो बोल रहा है कि मेरे लिए भी बता दो कि मैं कितने बजे उठाता। तो हितेश आज उठाता 9 बजे, और हस्बैंड भी आज गए हैं हाफ डे मतलब 12 बजे के आसपास, क्योंकि उनको कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने थे हितेश के हमें, तो उसके लिए उन्होंने वैसे तो छुट्टी की थी, इसीलिए फिर मैंने भी कर ली। दूसरा मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी लग रही थी, तो वो गए थे, सुबह ही चले गए थे 9:30-10 बजे, जो MCD का ऑफिस होता है ना, कमेटी वगैरह वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ भी काम होते हैं ना वो एक दिन में प्रॉपरली होते ही नहीं है, तो वो 12 बजे आए वहाँ से, मतलब 1.5-2 घंटा उनको वहाँ पे लग गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि शायद मुझे कल परसों में फिर से छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, कई सिग्नेचर पहले वो चीज़ बन के आएगी, फिर उस पर कई किसी के सिग्नेचर होंगे कई लोगों के, तब जाके वो कंप्लीट होगी। और तो वो चले गए कि आज मैं चला जाता हूँ, अभी तो टाइम है, मैं 1 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा, तो हाफ डे मेरा लग जाएगा, और कल परसों फिर देखता हूँ, अगर दिन में काम हो जाता है मतलब ऐसे ही सुबह में, तो परसों भी फिर हाफ डे में चला जाऊँगा, मतलब प्रॉपर पूरी छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर वो चले गए, अदरवाइज छुट्टी दोनों ने लिए रखी थी फुल डे की। और अभी आज मैंने की है थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग, और डीप क्लीनिंग नहीं की है, डिब्बे वगैरह पे जो चिकनाई होती है ना वो साफ़ हो जाएगी। और अभी शाम का टाइम हो चुका है 4-5 बजे के आसपास का, तो मैंने सोचा कि चलो आज खुद को भी थोड़ा सा पैम्पर कर लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया स्किन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, तो बस यहाँ पे मेरा ये चारकोल का जो फेस मास्क है वो मैं लगा रही हूँ, और ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है, मून स्टार का है ये, और वैसे तो गुड वाइब्स के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने गूगल किया है, तो गुड वाइब्स मुझे यहाँ पे ऑफलाइन मिला भी नहीं, मैंने पता किया था, तो जिन अंकल से मैं लेके आती हूँ इस तरीके के जो सामान है उन्होंने मुझे ये दिया, और इसके रेट गुड वाइब्स से काफ़ी रिजनेबल हैं, और इसका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, और थर्ड टाइम मैं इसको लगा रही हूँ इस ट्यूब को, और अभी इसमें और भी है, 1-2 बार और लग जाएगा। और जब मैं इस तरीके की कोई चीज़ करती हूँ तो हितेश बहुत एक्साइटेड होता है, बिल्कुल देखता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो मुझे बोल रहा था कि आप मुझे डरा के दिखाओ। तो अभी टाइम हो गया है शाम की चाय का, तो मैं चाय बना रही थी तो हितेश ने बोला कि उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे कर रही हूँ मखाना फ्राई, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और पहले हितेश भी नहीं खाता था क्योंकि वो ये चीज़ें कम ही खाता है, और बच्चों को स्टार्टिंग में टेस्ट का भी नहीं पता होता, तो आप बच्चों को थोड़ा बहुत चीज़ें टेस्ट कराए ताकि उसको चीज़ों का टेस्ट पता लगे। और हितेश को मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाए, क्योंकि हितेश काफ़ी सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है बाहर की चीज़ें खाने से, स्पेशली जो पैकेट वाली चीज़ें आती हैं, तो बच्चों के अंदर टेस्ट को डेवलप करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए हम माओं को थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है, बच्चे बाहर की चीज़ें छोड़ के हेल्दी चीज़ें फिर ज़्यादा पसंद करने लगते हैं अगर उनको एक बार टेस्ट का पता लग जाए।
तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ शाम का खाना बनाने के लिए, और आप लोग सोचेंगे कि मैं हरदम किचन में रहती हूँ, तो ऐसा ही होता है। और जब खासकर बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो आपको बार बार किचन में ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से जो चावल है वो भिगो के गई थी कुछ देर पहले, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाई थी कढ़ी, तो हितेश को उसके साथ चावल खाने थे, और वैसे भी कढ़ी काफ़ी सारी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी के साथ थोड़े से राइस बना दिए जाए, और उसके बाद थोड़ी सी मैं बनाऊंगी रोटियां। तो यहाँ पे मेरी जो आज के खाने की थाली है वो बन के तैयार है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, और हितेश ने थोड़े से राइस खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए, और उसको ये घिया की सब्ज़ी जो आजकल मैं बना रही हूँ काफ़ी पसंद आती है, तो उसने बोला कि उसको भी यही खानी है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड खा चुके हैं, मैं और हितेश यहाँ पे खा रहे हैं, और मैं भी खा चुकी हूँ, बस हितेश ही खा रहा है। और उधर मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, मतलब सूट वगैरह, जो कि मुझे अभी सिलने के लिए दे के आने हैं। और वैसे मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो उस जिसको मैं सिलने के लिए देती हूँ उनका घर पास में है, तो मैं ये भी दे के आऊँगी। तो यहीं तक की थी आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।